कैसे हो आप तो अभी फटाफट कमेंट करके बताओ, और सभी को दिल से हैप्पी न्यू ईयर। सो अभी कमेंट करके ये भी बताओ किस किस का कैसा कैसा रहा पार्टी। अपना भाई तो कोई नहीं किया पार्टी, बिकॉज हम आए हैं आप लोग के लिए सरप्राइज दिखाने। और आपका भाई रेडी भी हो चुका है मस्त, और ब्रेकफास्ट भी हो चुके हैं, और देख सकते हो अभी सुबह के बज 11:30। और दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे ये है कहाँ, मतलब वहाँ पे तो रात में ही ब्लॉग एंड हो गया था। सो दोस्तों हम आपको बता दें कि हम आए अपने पापा के यहाँ, और पापा भी गए नहाने, तो मैंने सोचा फटाफट ब्लॉगिंग कर लेते हैं, उनके सामने बोल नहीं पाते। सो कोई नहीं। और दोस्तों मैंने बहुत सुना है यहाँ के 4-5 फेमस जगह हैं बिहार के, और सो रेडी तो हो ही गए हैं। और आज नया साल है, और सबसे बढ़िया दिन मंडे सोमवार। सो सबसे पहले चलेंगे, एक बहुत बड़ा विशाल शिव जी का मंदिर है, सबसे पहले वहीं चलेंगे और दर्शन करते हैं, फिर आपको घूमते घुमाते हैं। तो लेट्स सी। जाने से पहले दोस्तों हम आपको आइए दिखा देते हैं बाहर, छत से ऊपर जाके बाहर का मौसम। सो लेट्स सी। सो दोस्तों देखो आज कुछ मौसम ऐसा है, और मतलब ठीक ही है, आज थोड़ा खुला खुला है, उतना ज्यादा कोई ऐसा नहीं है। और दोस्तों मैंने यहाँ पे आके छोटा सा शॉपिंग भी किया, एक स्वेटर लिया और एक जीन्स। सो कोई नहीं, बहुत ज्यादा बातें हो रही है, चलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो अभी हम आ चुके हैं हाईवे पे, और अभी अच्छी खासी मस्त धूप भी हो रखी है। तो अभी यहाँ से पकड़ते हैं ऑटो पायलट बाबा जाने के लिए। तो लेट्स सी। पायलट बाबा आ चुके हैं पायलट बाबा के स्थान पर, और भीड़ देख सकते हो कितना ज्यादा भीड़ है। सो आइए आगे चल के दिखाते हैं आपको भीड़, देखो दोस्तों ओहो ट्रैफिक जाम। बिहार पुलिस ट्रैफिक लग रहे भाई साहब, इतना बड़ा विशाल मंदिर आप सब भी देखो। भोले बाबा तेरी क्या ही बात है, भोले शंकर तेरी क्या ही बात है, दूर हो के भी तो साथ है, दूर हो के भी तो साथ है। उसको मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सदी है। नंदी माता, और दोस्तों यहाँ से देख सकते हो राम भगवान को भी, क्या मंदिर बना है भाई साहब यहाँ का, सब बड़ा बड़ा दिख। आइए अंदर चल के भी दर्शन कर लेते हैं। सो सरस्वती माता कितना प्यारा प्यारा मंदिर है भाई, यहाँ इतना ज्यादा भीड़ लगा है, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लग रहा है दान दक्षिणा कर रहे हैं लोग। और ये देखो गजब, रात मिला है मेरा। और ये देखो अद्भुत नजारे, यहाँ हर कीर्तन का कार्यक्रम हो रहा है। और इधर रहा अपने अंदर जाने का रास्ता, सही है। भाई साहब क्या लग रहा है, पहली बार है मानो तो।
रहूंगा तुम पूछो ही मत भाई, इतनी अच्छी जगह तो भीड़ तो होनी है। यहाँ पे भी लाइन लगाना पड़ेगा फिर से। यहाँ सब लोग अपनी अपनी विशेष मतलब जो भी मांगना होता है नंदी माता के कानों में बोला जाता है। बड़ी मसलकत से प्रसाद का नसीब है। दोस्तों यहाँ तो बहुत ही ज्यादा मंदिर और बहुत ही कुछ देखने को यार, मैं तो फर्स्ट टाइम आया, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, बट लोग घूम रहे हैं, जहाँ जहाँ भीड़ है ना मैं देखता चला जा रहा हूँ। अभी ये देखो इस बार पे इतने लोग जा रहे हैं, आइए हम भी चल के देखते। ये देखो भारत माता। दोस्तों यहाँ की एक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी, यहाँ पे ना छोटे छोटे जो मूर्ति है ये बना रखे हैं इन लोग ने, मतलब एक दो नहीं बहुत सारा है भाई। दोस्तों ये तो और ही प्यारा लग रहा है यार, मतलब एकदम पार्क टाइप का है। So, देख सकते हो यहाँ पे फोटो 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 फोटो, मेरे दोस्त लोग भी होते साथ में तो मैं भी फोटो 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 करता। तो दोस्तों मस्त शिव जी का दर्शन भी कर लिया और सारा का सारा घूम भी लिया, छोटी बड़ी मंदिरें जितनी भी सारी थी, और बहुत ही ज्यादा मंदिर है यहाँ पे छोटा 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 सब का। और क्या बोलते हैं यहाँ से तो जाने का बिल्कुल भी नहीं मन कर रहा है, इतना प्यारा इतना अच्छा जगह, और कुछ ना कुछ जरूर रह गया और दिखाने को, बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ ना यहाँ पे तो समझ नहीं आ रहा, कोई साथ में भी नहीं है गाइड करने वाला। सो कोई नहीं, मुझे लगा कि बहुत सारा घूम लिया गया और अभी यहाँ से चलते हैं, तो लेट्स सी। देखो हम जा रहे हैं और भीड़ रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, इतने श्रद्धालु हैं यहाँ के, और भाई मंदिर भी तो बहुत फेमस है। तो दोस्तों फिर से ऑटो पकड़ लिए और अब भी चलते हैं रोजा रोड, वहाँ भी घूमते और दिखाते हैं आप सभी को। ट्रैफिक देख सकते हो दोस्तों, आते वक्त भी ट्रैफिक जाते वक्त भी ट्रैफिक, एक घंटा तो इसी में लग जा रहा है। दोस्तों यहाँ का भीड़ देख सकते हो कितना ज्यादा, यहाँ पे तो और ही ज्यादा चल पल है। ये क्या इसमें से ऐसे जाना पड़ेगा भाई साहब, यहाँ पे तो और ही ज्यादा भीड़ है। दोस्तों यहाँ पे लेना पड़ेगा टिकट, और ले लेते हैं टिकट। अरे हो गया। तो दोस्तों ये रहा टिकट। तो दोस्तों फाइनली टिकट लेके एंट्री ले चुके हैं और अब भी चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको। ओ भाई साहब ये देख कितना ज्यादा भीड़ है भाई, कितना पब्लिक कितना पब्लिक। इतना भीड़ देख के भाई साहब मन तो कर ही नहीं रहा जाने का अंदर, एक तो इतना भीड़ मंदिर में। So, दोस्तों कोई नहीं चलते हैं फिर से हम भी नीचे और देखते हैं दिखाते हैं आप सभी को, घूमने ही आया ना तो भीड़ क्या कहाँ मिली, भीड़ से डरना थोड़ी है।
तो ये है सासाराम का मशहूर किला शेर शाह सूरी। तो फाइनली ऊपर भी पहुंच गए और दिखाते हैं यहाँ से अब वहां का व्यू। दोस्तों इस मकबरा और किले के बारे में तो हमने बहुत ही सुना, बहुत ही देखा था यूट्यूब पे, बट हम आपको सबको स्टोरी नहीं बता सकते, हम तो बस घूमने ही आए। आप सब भी घूम लो, देख लो, देखा जाए तो काफी अच्छी और प्यारी जगह है किला किला किला। जहाँ देखो तहाँ फोटो, यार लोग इतना फोटो क्लिक कर रहे, इतना फोटो क्लिक कर रहे, देख देख के मेरा मन तो कर रहा है कि मैं भी करूँ यार, बट कोई साथ में है ही नहीं। सो कोई नहीं, वीडियो के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। और दोस्तों देख सकते हो पीछे रील भी शूट हो रहा है यहाँ पे, रील फोटोज देख देख के भाई इतना मन कर रहा है मैं भी करूँ, बट अकेले क्या कर सकता हूँ। देख सकते, देख रहे हो पीछे रील शूट हो रहा है। सो कोई और यहाँ जो ओ भाई, जिस सीढ़ी पे जाओ, जिस रास्ते पे जाओ, वहां पे लोग बैठे मिल रहे हैं। देखो उधर उधर चारों तरफ लोग ही लोग, यहाँ पे देख रहे हो वीडियो शूट भी हो रहा है। दोस्तों शाम के 5:30 बज चुके हैं और ये भीड़ आप देख सकते हो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, और हम सुबह से घूम रहे बिल्कुल थक चुके हैं। सो अब यहाँ से बिल्कुल समझ भी नहीं आ रहा क्या दिखे क्या दिखाएं, तो घूम लिए के दिखा दिए और कुछ टाइम यहीं पर टाइम स्पेंड करेंगे फिर चलेंगे। दोस्तों वहाँ का व्यू कुछ यहाँ से ऐसा दिख रहा है, देखो हो चुकी है और शाम के बज रहे हैं 6 और शाम के ठंड का असर भी पड़ने लगा है। सो हमने तो मस्त घूम फिर लिया, और आप लोगों को कैसा लगा ये ब्लॉग लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फटाफट किसी नए ब्लॉग में नए अंदाज के साथ, तो आज के लिए बस इतना ही, लव यू, बाय।